वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और फुटबॉल प्रेमी पूरे वर्ल्ड में हैं। भारत में फुटबॉल प्रेमी रात जग कर फुटबॉल देख रहे हैं और फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में एक रोमांचक मैच है। हर देश के अलग अलग टीम और उनके अलग अलग खेलने के अंदाज भी लोगों को खूब भा रहे हैं, लेकिन इस बार फीफा वर्ल्ड कप में नई चीज़ क्या है शायद आपको पता होगी, लेकिन मैं थोड़ा इसमें आज आपको डिटेल से बताती हूँ। फीफा वर्ल्ड कप में इस बार जो फुटबॉल है उसमें कंपनी एडिडास ने सेंसर लगाया हुआ है। जी हाँ, सेंसर इसलिए ताकि इसका वीडियो एनालिटिक रिव्यू मिल सके। अब तक जब तक जो फुटबॉल के मैच होते थे वर्ल्ड कप, उसमें जो फुटबॉल होती थी वो बिना सेंसर की होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फुटबॉल बनाने वाली कंपनी एडिडास ने 3 साल की मेहनत के बाद में एक सेंसर वाला फुटबॉल तैयार किया गया है और इस फुटबॉल को मैदान में उतारने से पहले 6 घंटे तक चार्ज किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक मोबाइल की तरह इस फुटबॉल को भी चार्ज किया जाता है और चार्जिंग होने के बाद में यह फुटबॉल जब मैदान में आती है तो खिलाड़ियों की किक की स्पीड से लेकर के मैदान के हर व्यू को कनेक्ट करती है और उसको एनालिसिस के लिए तैयार करती है। फीफा वर्ल्ड कप में इस बार फुटबॉल का नाम भी दिया गया है अल रिहला। जी हाँ, पाकिस्तान के सियालकोट में दुनिया भर की फुटबॉल बनती है और फीफा वर्ल्ड कप में खेले जाने वाली फुटबॉल भी सियालकोट में बनाई गई है। एडिडास कंपनी यह फुटबॉल तैयार करती है और इस बार कंपनी हर बार कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए फुटबॉल में उसने सेंसर लगाने की शुरुआत की। और सेंसर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मात्र 14 ग्राम का यह सेंसर होता है जो फुटबॉल के बीचों बीच लगाया गया और इसे क्रैक करने के लिए कंपनी को पूरे 3 साल लगे। जी हाँ, 3 साल की मेहनत के बाद में फुटबॉल के बीचों बीच सेंसर फिट हो सका। फुटबॉल में सबसे बड़ा पॉइंट गोल का ही होता है और गोल पोस्ट तक पहुंचने के लिए फुटबॉल का रिव्यू देखने के लिए यह सेंसर काम करता है। और सेंसर कैसे काम करता है आपको बताना चाहूँगी। क्रिकेट में जिस तरह थर्ड एम्पायर की भूमिका होती है, वैसे ही इस सेंसर की भूमिका है यहाँ पे फुटबॉल के अंदर में। जैसे ही फुटबॉल में किक लगती है, खिलाड़ी किक मारता है और फील्ड में लगे एंटीना एक्टिव होते हैं, सेंसर एक्टिव होता है और वो उसको अपनी सेंसर रिपोर्ट भेजता है और वो एंटीना के ज़रिए वो रिपोर्ट वीडियो विजुअल में आती है और एक वीडियो एनालिटिक रिव्यू सामने आता है, ताकि अगर रेफरी चूक जाए किसी भी चीज़ को देखने से तो वीडियो एनालिटिक के ज़रिए वो चीज़ें सामने आती है और मैच की जो है परिणाम को, मैच के परिणाम को तय किया जाता है। इस सेंसर को लगाने के पीछे की भावना भी यही थी कि वर्ल्ड कप जैसे फुटबॉल में रेफरी मैन्युअली होते हैं और इस कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन कैमरे कहीं चूक गए और इस फुटबॉल की स्पीड क्या है, खिलाड़ियों के दौड़ने की स्पीड क्या है, इसमें खिलाड़ी के पास फुटबॉल कितनी देर रही, ये सारे रिकॉर्ड इस सेंसर में कैच हो जाते हैं। तो यह थी फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस प्रस्तुति में फ़िलहाल इतना ही और आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, मेरे साथ गौकर्ण निषाद है और ये सेक्टर 2 का फुटबॉल ग्राउंड है जहां पर एक फुटबॉल की नई पौध शुरू हो रही है और यहां पर जो फुटबॉल का माहौल है, वर्ल्ड कप की खुमारी ज़रूर छाई हुई है लेकिन यहां पे बच्चे अपने फुटबॉल में ज़रूर मस्त हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP News को और बेल आइकन को दबाएं।